बेगमगंज के तहसील कार्यालय में क्षेत्र के बेरोजगार युवकों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षा पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कराने की मांग भी की गई। ज्ञापन में कहा गया कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए रिक्तियां निकाली थी, जिसकी भर्ती के लिए PEB ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की थी और परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन के माध्यम से फरवरी और मार्च 2019 में परीक्षा भी दी थी। इसकी परीक्षा परिणाम की जो तारीख है वो भी निर्धारित की गई थी और वहीं परिणाम MPTET ने परिणाम घोषित नहीं किया है और जिससे अभी बहुत सारे परीक्षार्थी परेशान हैं। परीक्षार्थी परिणाम के इंतजार में अब भी हैं और आक्रोशित भी हैं। उक्त मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम शिक्षित बेरोजगार युवकों ने तहसीलदार को भी एक ज्ञापन सौंपा। हम लोगों ने SDM सर बेगमगंज के लिए जो ज्ञापन दिया है वो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दिया है, जो कि रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ, जबकि परीक्षा जो है मार्च 2019 तक हो गई थी। तो इसी संबंध में सरकार के नाम से एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनको ये अवगत कराया है कि आपके द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसका शीघ्र रिजल्ट घोषित करें और हम सब जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है और जिन्होंने इसके लिए जो व्यक्ति पात्र हैं इसके, जिन्होंने रिजल्ट पास किया है, तो उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाए उनकी। इस संबंध में हमने तहसीलदार महोदया जी को SDM के नाम से मुख्यमंत्री शासन मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश हमारे संवाददाता बेगमगंज से फोनलाइन पर मौजूद है। मुकेश, पेच कहां फंसा हुआ है, क्यों परिणाम नहीं आ रहा, इन बेरोजगार युवकों को संतोषजनक जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये शिक्षा विभाग से कुछ ऐसी कमियां दिखाई दे रही हैं जिससे रिजल्ट आने में देरी हो रही है। कुछ ना कुछ कारण बीच में आ जाते हैं, उस कारण से रिजल्ट घोषित नहीं हो पा रहा है, जबकि शिक्षित बेरोजगार युवक लगातार रिजल्ट की इंतजार में बैठे हुए हैं। अब मुकेश, सवाल ये भी उठता है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से कोई ऐसा जवाब आया है जिससे कि संतुष्ट हो सके ये युवक भी या जिन्होंने परीक्षा दी है वो भी, क्योंकि काफी समय हो चला है। जी, अगस्त माह का बोल दिया, अगस्त माह के शुरू सप्ताह में आने का ज्ञात हुआ है अब इससे, लेकिन अभी क्लियर नहीं है सर ये कि रिजल्ट अगस्त में ही आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। आपने कहा कि अगस्त में हो सकता है कि परिणाम घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी भी साफ नहीं है तस्वीर की क्या अगस्त में ही परिणाम आ जाएगा इस पात्रता परीक्षा का, क्योंकि अभी भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता ही नजर आता है और कब तक इंतजार करें, और आखिरकार इन्हें रोष प्रकट करना पड़ा और तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपना पड़ा। देखना होगा इनके ज्ञापन पर क्या कोई जवाब आता है या नहीं।